हे फ्रेंड्स, वीडियो में मैं आपको आज कुछ खास अलग बताने वाला हूँ। अगर आप Asus ZenFone Max Pro M1 या M2 यूज़ करते हैं या फिर कोई और डिवाइस यूज़ करते हो तो आपको कस्टमाइजेशन अगर आपको पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकती है। अगर आप Asus के स्टॉक लॉन्चर से परेशान हो गए, अगर आप कुछ नया लॉन्चर ट्राई करना चाहते हो तो एक लॉन्चर है जो परफेक्ट कस्टमाइज आप कर सकते हो। और जैसे कि आपने देखा होगा कि रियलमी के आजकल जितने भी डिवाइस है उसमें कस्टमाइजेशन मतलब ज़बरदस्त तरीके से है। उसमें अगर आप देखोगे आइकॉन के साइज़ अलग चेंज कर सकते हो, आप मैनुअल सेट कर सकते हो, आइकॉन का कलर चेंज कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको इस लॉन्चर में देखने के लिए मिल जाएगी। तो देख रहे हो JTAG लैग, वीडियो के साथ बने रहना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो लॉन्चर का नाम मैं बता दूँ, आप देख सकते हो। आपको ये टाइप करना है प्ले स्टोर में जाके, पहले तो आपको इसमें फील मिलेगी आपको स्टॉक लॉन्चर जैसी स्टॉक एंड्रॉयड में, मगर इसमें कस्टमाइजेशन है। अगर मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है, आप ये देख सकते हो, जैसे कि अभी तो डार्क मोड मैंने इनेबल किया है इसलिए ये डार्क है ऑटोमेटिकली, है ना। होम सेटिंग में अगर आप जाओगे तो ये देख सकते हो। सबसे पहले थीम की बात करें, थीम में आपको बहुत काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी यार। मतलब आइकॉन पैक आप इसमें चेंज कर सकते हो, दूसरा दूसरा आइकॉन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कोई आप प्ले स्टोर में जाके आपको नए नए आइकॉन मिल जाएंगे, आइकॉन के शेप चेंज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, जैसे कि आप रियलमी के आजकल सारी डिवाइस, रियलमी इतने क्यों चल रही है, उसमें कस्टमाइजेशन है, उसमें नया लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। मतलब पब्लिक को जो चाहिए सारी चीज़ें रियलमी के डिवाइस में मिलती रहती है, इसलिए रियलमी के डिवाइस आजकल ज़्यादा चल रहे हैं ना। तो इसमें कस्टम आइकॉन आप शेप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं ये शेप रखूँगा, सर्कल हो गया, स्क्वायर, ये देख सकते हो, ये रहा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैन्युअली सेट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको मैन्युअल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कस्टम में जाना पड़ेगा। कस्टम में जाके आप ये देखो लेफ्ट साइड का, अगर मैं इसको इतना रख दूँ, ठीक है, और यही सेम मैं इसको इतना रख दूँ, तो आप देख सकते हो ये क्या आइकन हो गया, देख सकते हो, ये देख सकते हो, है ना, पूरा शेप चेंज हो गया। मतलब आप अपने हिसाब से फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। होम सेटिंग में आपको और भी नई नई चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ। कोई कोई ऐप है ना, जैसे कोई कोई ऐप के जो आइकॉन्स हैं वो परफेक्टली राउंडेड नहीं होते जैसे आपको चाहिए, तो यहाँ से आप सेटिंग में जाके कर सकते हो। मोर सेटिंग में जाकर आप यहाँ पर उसका कलर बैकग्राउंड कर सकते हो, अडेप्टिव आइकॉन कर सकते हो, मतलब पीछे का जो ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा, रिप्लेस वाइट बैकग्राउंड, ठीक है ना, इसमें आप सेटिंग कर सकते हो। तो अच्छा खासा लॉन्चर है। अगर ये आपको नीचे जैसे ये पिक्सल डिवाइस में आता है ना, पिक्सल डिवाइस में आजकल जो स्टॉक है रियल जो प्योर एंड्रॉयड होते हैं उसमें ये आपको देखने के लिए नीचे की तरफ मिल जाता है गूगल सर्च बार। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप सिंपली जाके यहाँ पर से जाके डॉक में जाइए, डॉक में जाके आप उसे हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो शो सर्च बार है इसको बंद कर देना और यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी यार ज़बरदस्त मतलब लॉन्चर इतना बढ़िया है, कई लोगों ने देख भी लिया होगा लॉन्चर, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को कस्टमाइजेशन करना है, ठीक है, वो उनके लिए है। और भी आप बहुत कुछ ये, जैसे आप ये जो कलर वगैरह देख रहे हैं, ये जो अभी ये जो ब्लैक कलर, ये आप पूरा मतलब पूरा कस्टमाइजेशन पूरा अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ग्लैंस में अगर आपको डबल टैप लॉक स्क्रीन चाहिए वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, या आपको देख सकते हो यहाँ पर आपको ग्लैंस कैसा चाहिए, जैसे कि स्टाइल अगर आप देखेंगे ये वाला स्टाइल है, ठीक है ना। डेस्कटॉप पे जाके आप उसका सेटिंग चेंज कर सकते हो। अगर आपको आइकॉन्स के हाइट विड लेंथ मतलब कॉलम वगैरह कितने कॉलम का क्या चाहिए सब आप अपने हिसाब से मैनुअल सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन डॉट भी अगर आप यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ पर अलाउ करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो जो सर्कल आता है आइकॉन के ऊपर छोटा सा डॉट वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर वो आपको डॉट पसंद नहीं है, इसमें आपको काउंटिंग चाहिए, जैसे कि 3 मैसेज आए तो 3 लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सिंपली शो नोटिफिकेशन काउंट कर देना, तो वहाँ से आपको काउंटिंग लिखाएगा, डॉट नहीं लिखाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको नीचे सर्च बार चाहिए तो सर्च बार को आप नया कलर दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब इतना ज़बरदस्त है यार। इसमें गेस्चर भी आप देख सकते हो। ये वीडियो मैंने आपके लिए यही सोच के बताया कि कई लोग यार स्टॉक एंड्रॉयड स्टॉक लॉन्चर से परेशान हो गए होंगे, मैं खुद भी हो जाता हूँ, है ना। तो कुछ कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, लोग कस्टमाइजेशन चाहिए आज की तारीख में, नए नए कुछ ना कुछ अपने हिसाब से सब चेंज कर सके, तो उनके लिए लॉन्चर काफ़ी ज़बरदस्त है, आप ट्राई करके देखो यार, ठीक है। तो उम्मीद करता है यार ये वीडियो में आपको अच्छा खासा कुछ पता चला होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे उसकी कोई भी अपडेट आपको मैं इन पर देता रहूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, बाय।